चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ओरियो बिस्किट से केक बनाने की रेसिपी। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि हमारा केक फूला हुआ नहीं बना है, तो मैं आज आप लोगों के साथ कुछ ट्रिक शेयर करूँगी जिससे कि आपका केक फूला हुआ बनेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो के नीचे लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरी रेसिपी आपको इसी तरह मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओरियो केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक मिक्सी जार ले लिया है और जैसा कि आप जानते हैं मैं ओरियो बिस्किट से केक बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पर ओरियो बिस्किट ले लिए हैं। मैंने यहाँ पर 5 पैकेट ओरियो बिस्किट के पैकेट लिए हुए हैं। यहाँ पर मैंने वनीला फ्लेवर वाला ओरियो बिस्किट लिया है। अगर आप चाहें तो कोई और फ्लेवर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, ओरियो बिस्किट को इस तरीके से टुकड़ों में तोड़कर डाल देंगे ताकि हमारा जो मिक्सर है वो अच्छे से पिसकर तैयार हो जाए। तो इस तरीके से मैं सभी पैकेटों को तोड़कर डाल लूँगी और इसका ढक्कन लगाकर इसको अच्छे से पीस कर तैयार कर लेंगे। जब ये पिस जाएंगे तो हम इनको क्या करेंगे, एक बड़े बाउल में डाल लेंगे पिसने के बाद। तो अभी यहाँ पर चेक कर लेंगे डालने के बाद, हमारा जो मिक्सर है उसमें कोई पीस तो नहीं रह गए हैं बिस्किट के, एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें कोई बिस्किट का पीस नहीं है। तो अभी हम इसको एक साइड कर देंगे और केक के लिए टिन तैयार कर लेंगे। तो केक के लिए टिन के लिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बटर डाला है और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे चारों साइड से ताकि हमारा जो केक है वो ईजिली बाहर निकल आए। आप चाहे तो इसमें ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर बटर का यूज़ किया है। और यहाँ पर मैंने इसके तले में डालने के लिए जो बटर पेपर है वो पहले से ही इसी शेप में कट करके रखा हुआ था इस तरीके से। तो इसको हम इसमें सेट कर देंगे। अगर आप चाहें तो मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं उसको डस्ट करके। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो इसको साइड कर देंगे अब हम। और जैसा कि आप जानते हैं हम कुकर में केक बना रहे हैं, तो इसको प्रीहीट करने के लिए मैंने यहाँ पर इसमें सॉल्ट डाल दिया जो कि मेरे पास पहले से रखा हुआ था और केकों में मैंने यूज़ किया हुआ है ये। इसको फेंके नहीं, आप और केकों में भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने यहाँ पर एक स्टैंड ले लिया है जो कि ईजिली सभी घर में मिल जाता है। उसको इसमें रखने के बाद, अच्छे से सेट करने के बाद हम इसका ढक्कन लगा देंगे। और एक बात का ध्यान रखें, ढक्कन में से पहले सीटी और इसकी रबर जरूर निकाल दें। तो अभी हम इसका ढक्कन लगाकर इसको प्रीहीट करने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पर। जब तक ये प्रीहीट होता है हम इसके लिए बैटर बनाकर तैयार कर लेते हैं केक के लिए। तो बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर शुगर पाउडर ले लिया है 2 बड़े चम्मच। डालने के बाद हम शुगर पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच ही मिक्स किया है शुगर पाउडर, क्योंकि ये बिस्किट पहले से इतने मीठे होते हैं। और मैंने यहाँ पर 1 कप दूध लिया है, ये ठंडा दूध लिया है और मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डालकर इसका बैटर बनाकर तैयार कर लूँगी केक का। थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ जो हमारा बैटर है वो गीला हो जाएगा, हमारा केक नहीं बन पाएगा। तो इसमें इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डालकर और इसको अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अभी ये देखिए थोड़ा सा गाढ़ा है, एक फ्लो में नहीं गिर रहा है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर लूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। इसमें जब तक मिल्क ऐड करेंगे जब तक कि एक फ्लो में ना गिरे इस तरीके से। अभी देख सकते हैं आप, एक फ्लो में नहीं गिर रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा मिल्क और ऐड कर लूँगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप दूध लिया था, उसमें से 1 कप में से भी थोड़ा सा दूध बच गया है, यानी कि हमारा 2/3 कप दूध इसमें मिक्स हुआ है। आप देख सकते हैं हमारा 2/3 कप ही मिल्क इसमें यूज हुआ है। तो अभी हम इसको साइड कर देंगे और इसमें मैं यहाँ पर 1 छोटे चम्मच बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ। एक बात का ध्यान रखें, बेकिंग पाउडर आप जब ही डालें जब आप इसको बैटर को केक टिन में डाल रहे हो, पहले से इसको नहीं डालेंगे, अदरवाइज इसमें जो एयर बबल होते हैं वो निकल जाएंगे और यही एक रीज़न होता है कि हमारा केक अच्छे से फूल नहीं पाता है। तो इसे सबसे लास्ट में ही डालें। तो अभी हम क्या करेंगे, इस बैटर को टिन में अच्छे से सेट कर लेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बेकिंग पाउडर को पहले ही डाल लेते हैं फिर बैटर बनाते हैं, उससे क्या होता है हमारा जो केक होता है वो अच्छे से फूलता नहीं है। तो अभी हम इसको बैटर को इसमें डालने के बाद इसको अच्छे से 1-2 बार टैप कर देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अभी मैंने यहाँ पर कुकर को पहले से ही प्री हीट किया हुआ था, तो इस टिन को हम इसमें अच्छे से एक टॉवल की हेल्प से इसको अच्छे से सेट कर देंगे, क्योंकि हमारा जो कुकर है अभी वो गर्म है, आपका हाथ जल सकता है, इसीलिए एक टॉवल की हेल्प से इसे अच्छे से सेट कर दें और इसका कैप लगाकर हम इसको 30 से 35 मिनट तक अच्छे से पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर।
अभी मैं 20 मिनट बाद इसको एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा केक बन रहा है कि नहीं। तो मैं एक नाइफ की हेल्प से इसको चेक करके देखूंगी, बीच में डालेंगे क्योंकि बीच में हमारा जो केक है वो टाइम लगता है बनने में। आप देख सकते हैं अभी ये बनकर तैयार नहीं हुआ है, हमारा नाइफ क्लीन नहीं निकला है। तो हम इसका ढक्कन लगाकर थोड़ी देर और पका लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया 30 से 35 मिनट इसमें बनने में लगता है। तो ढक्कन लगाकर हम इसको और पका लेंगे। 30 से 35 मिनट हमारे पूरे हो चुके हैं फ्रेंड्स, तो अभी हम अपना केक चेक कर लेंगे। तो वही प्रोसेस हमें दोबारा से करना है, हम एक नाइफ की हेल्प से इसको चेक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा नाइफ बिल्कुल क्लीन निकला है। तो हम केक टिन को कुकर से बाहर निकाल लेंगे टॉवल की हेल्प से और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हमें इस एक नाइफ की हेल्प से इसको इस तरीके से साइड से इसको इस तरीके से कर लेंगे कट, ताकि हमारा जो केक है वो ईजिली बाहर निकल आए। तो अभी मैं एक प्लेट पर इसको डीमोल्ड कर लूँगी। डीमोल्ड करने के बाद टैप कर लेंगे एक से दो बार ताकि केक अच्छे से निकल आए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा केक अच्छे से बाहर निकल चुका है। तो अभी इस पे जो बटर पेपर लगा हुआ है वो भी हम इसको हटा देंगे और हमारा केक जो है वो सीधा कर लेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा केक बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। तो अभी मैं इसकी गार्निशिंग कर लूँगी। गार्निशिंग के लिए मैंने जो हमारा पाउडर बनाया हुआ था उसको थोड़ा सा बचा कर रखा हुआ था, तो इस तरीके से हम इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा ओरियो केक बनकर तैयार है, बिल्कुल स्पॉन्जी ओरियो केक बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। तो मैं चेक करके दिखा दूंगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।